एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12th के हिस्ट्री का चैप्टर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। तो इस चैप्टर का नाम, एज यू नो, 2020 में देखो सभी चैप्टर्स के नाम आपके बदल गए हैं। इस चैप्टर का नाम हो गया है हमारा महात्मा गांधी थ्रू द आईज ऑफ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, तो हर एक चैप्टर का नाम बदला है, अंदर का कंटेंट बिल्कुल सेम है। तो गाइज, अभी मैंने पुराना नेम ही लिखा है, वीडियो के टाइटल में भी पुराना नेम ही डालूंगी। जब बच्चे यूज्ड टू हो जाएंगे, जब बच्चों को नए चैप्टरों के नाम लर्न हो जाएंगे, चैप्टर का नया नाम लर्न हो जाएगा, तब हम नया इस चैप्टर का जो टाइटल है वो चेंज कर देंगे। अभी आपके पास हिस्ट्री की जो बुक है उसमें ये चैप्टर 13 है, यही इसका नाम है और पूरा चैप्टर ऐसा ही आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नेम को लेकर कोई बच्चा कन्फ्यूज नहीं होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑल नो महात्मा गांधी हमारे नेशनल लीडर थे, ही इज फादर ऑफ नेशन। ठीक है, बट व्हाई ही इज सो इंपॉर्टेंट, उन्होंने ऐसा क्या करा जो हम उनको इतनी इज्जत देते हैं, उनका इतना मान करते हैं, वी ऑल रिमेंबर देम। तो ऐसा क्या उन्होंने किया था, दैट वी विल स्टडी। इसमें हमें पता चलेगा कि वो कौन थे, वो किस तरीके से एक नेशनल लीडर बने, उन्होंने उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा था अंग्रेजों को भारत से भगाने में। He did one thing, वो क्या थी, उन्होंने इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई थी। वही हम चैप्टर के नेम में पढ़ रहे हैं, नेशनलिज्म। यानी कि पहले कोई अपने आप को इंडिया को देश नहीं मानता था, उससे पहले तो महाजनपद में बटे हुए थे देश। ठीक है, तो तब भी लोगों के अंदर नेशनलिज्म फीलिंग नहीं थी। जब महात्मा गांधी आए और बाकी इंडियन नेशनल कांग्रेस जब इस्टेब्लिश हुई, हर एक लीडर ने कोशिश करी कि लोगों के मन में भारत माता के लिए प्रेम जगे, नेशनलिज्म की फीलिंग आई। तो सबसे पहले नेशनलिज्म का मतलब डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नेशनलिज्म मतलब क्या होता है, जब हम अपने देश की इज्जत करना सीख जाते हैं ना, जब हमें लगता है कि हमारा साथ वाला हमारा देशवासी है, हमें उसको साथ में लेके चलना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जैसे पहले जमाने में होता था लो कास्ट का हो या अपर कास्ट का हो, वो एक इंडियन है। जब हम उसको अपने जैसे समझने लग जाए, इक्वल ट्रीटमेंट करने लग जाए और अपने देश के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाए, तो उसको कहते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म तब होता है जब लोग यूनाइट होते हैं, और जिस दिन नेशनलिज्म की फीलिंग इंडिया के हर इंसान में आ गई थी, तभी जितने भी अंग्रेज थे वो, ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया को छोड़ के चले गए। तो दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। तो वही मैंने आपको ग्रे बॉक्स आधा समझा दिया है अभी, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में होता है कि व्हाट इज नेशनलिज्म। यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, पॉलिटिकल भी होगी आप लोगों के पास, तो नेशनलिज्म का मीनिंग तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। अब हमेशा हमने काफ़ी सारे और कंट्रीज के बारे में सुना है कि वो नेशनलिज्म को एक वर्ड से एसोसिएट करते हैं। यानी कि हम कहते हैं अब महात्मा गांधी, हम महात्मा गांधी को एसोसिएट करते हैं एज अ फादर ऑफ इंडियन नेशन, और उन्होंने नेशनलिज्म इंडिया में, हम कहते हैं कि बिकॉज ऑफ हिम इंडिया इज अ नेशनलिस्ट कंट्री। ठीक है, सेकेंडली जैसे कि इटली के गारिबाल्डी, इटली के जो एक थे, इनको भी इंडिया का, मतलब इटली का आप कह सकते हो सबसे बड़े नेशनल लीडर थे ये, इनको ही नेशनलिज्म से एसोसिएट करा जाता है कि एक आदमी जिसने पूरा हमारा नेशन बनाया। फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन जो है, जॉर्ज वॉशिंगटन यूएसए के, जिन्होंने अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में सबसे आगे थे जो, तो उनको एसोसिएट करा जाता है, उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको, कि ये वो ऐसे इंसान है जिन्होंने अकेले एक नेशन बनाया, वन पर्सन मेकिंग ऑफ नेशन। यानी कि वो इंसान जिसने अकेले दम पे पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी सॉरी कंट्री के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जागरूक करा। फॉर एग्जांपल हो ची मिन, जिन्होंने फ्री वियतनाम मूवमेंट लॉन्च करा था अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल एंड ही वाज सक्सेसफुल। तो ये नाम, नेशनलिस्ट पीपल के नाम आपको याद रखने हैं, एक इंसान, एक व्यक्ति जिन्होंने पूरे कंट्री के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई एंड नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया। तो गारिबाल्डी है हमारे इटली के, मे बी मैं प्रोनंस गलत कर रही हूं, मुझे बताना कैसे प्रोनंस करते हैं। वॉशिंगटन, जॉर्ज वॉशिंगटन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हो ची मिन ऑफ फ्री वियतनाम एंड महात्मा गांधी फादर ऑफ इंडियन नेशन, जिन्होंने इंडिया के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई थी। नाउ लेट्स टॉक कितने से कितने समय तक ही वॉज वेरी एक्टिव। 1950 से लेकर 1948 तक महात्मा गांधी वॉज एन एक्टिव लीडर। उनके अब पूरा का पूरा उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या करा था, दैट वी विल स्टडी। तो पहला आपका टॉपिक आ गया है अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, यानी कि एक नए लीडर इंडिया में आ गए हैं, अब उनकी एंट्री हो गई है, तो लेट्स स्टडी। तो देखो, गांधी जी जो थे, हम सबको पता है वो साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे,
थे, क्या काम कर रहे थे, ही वॉज अ लॉयर, उनका नाम क्या था, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो 20 सालों तक कहाँ रहे थे, वो साउथ अफ्रीका में रहे थे। एक मूवी बनी हुई है महात्मा गांधी के ऊपर, बहुत अच्छी मूवी है, पुराने जमाने की है, बट आई वुड सजेस्ट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम लिख दूंगी, हर बच्चा उस मूवी को देखे, यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच पेन ही हैज गॉन थ्रू टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट, तुम्हें समझ में आएगा देख कर उसे, तो दैट यू ऑल विल वॉच दैट मूवी। तो जनवरी 1915 को जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो लौटते हैं इंडिया आफ्टर टू डिकेज, मतलब 20 साल बाद वो इंडिया लौटते हैं। कहाँ से लौटते हैं, वो साउथ अफ्रीका से लौटते हैं, वेयर ही वॉज अ लॉयर, और लॉयर के साथ साथ में वो वहाँ पे भी एक एक्टिविस्ट, एक लीडर की तरह उन्होंने उनके इमर्ज हो गए थे वो। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने वहाँ पे जो इंडियन कम्युनिटी थी उस के लीडर वो बन गए थे वहाँ पे। देखो हमें पता है साउथ अफ्रीका में उस समय पे भी ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो वाइट लोग होते थे ब्लैक्स के साथ बहुत गलत सलूक करते थे, अपार्टहाइड वी हैव स्टडी, वहाँ हम नहीं जाएंगे, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लिम्स कि साउथ अफ्रीका में उस समय क्या था। जैसे हमारे यहाँ अंग्रेज हमें परेशान कर रहे थे, वैसे ही वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी जो वाइट पीपल थे वो जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बहुत गलत सलूक कर रहे थे। तो उस समय पे इंडियन कम्युनिटी बनाई महात्मा गांधी ने, मतलब वो उसके लीडर थे, एंड वहीं से उनका जो आप कह सकते हो उनका जो करियर था या फिर जो उनकी लाइफ थी एज बीइंग अ नेशनल लीडर वो स्टार्टअप हो जाती है। जो चंद्रन देव सेनन है उन्होंने उनको बोला है द मेकिंग ऑफ महात्मा, यानी कि साउथ अफ्रीका में ही गांधी जी का नाम क्या है, हिज नेम इज मोहनदास करमचंद, महात्मा यानी कि एक बहुत महान इंसान, महात्मा उनको किसने बनाया, महात्मा वो बने थे साउथ अफ्रीका के अंदर। वही जो मैंने उन्हें आपको बताया कि ही स्टार्टेड हिज लाइफ हिज करियर इन द साउथ अफ्रीका ओनली। अब उन्होंने एक टेक्निक निकाली ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्याग्रह, जो हम सबको पता है ही यूज टू फॉलो अहिंसा एंड सत्याग्रह, वो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे, वो कभी भी रेडिकल यानी कि मारधाड़, गाली गलौच, मारने पीटने वाले चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे। तो ही वॉन्टेड हारमोनी बिटवीन एवरीवन, उन्हें हारमोनी एंड पीस से ही आंदोलन करना था, आंदोलन तो करना था, प्रोटेस्ट तो करना था, बट विद हारमोनी एंड विद द पीस, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा था साउथ अफ्रीका में, उन्होंने हारमोनी करी बिटवीन द रिलीजन, रिलीजन में उन्होंने अलर्ट करा बिटवीन द अपर कास्ट इंडियन डिस्क्रिमिनेशन टू द लोअर कास्ट वुमेन एंड द लो कास्ट पीपल, यानी कि देखो वहां पे उस समय साउथ अफ्रीका में भी ना जो अपर कास्ट इंडियंस होते थे वो वहीं पे ही अपने जो लो कास्ट होते थे और जो वुमेन होती थी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो गांधी जी ने जागरूकता लाई कि भाई क्या कर रहे हो, ये भी तो तुम्हारे जरा इंसान ही है, यू कैन नॉट डू दिस। तो इस तरीके से गांधी जी ने वहां पे भी अलर्ट लेकर आए। फिर नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, जब गांधी जी 1915 के अंदर इंडिया के अंदर आ जाते हैं, जब वो इंडिया के अंदर आते हैं तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू द एरा जब वो इंडिया से बाहर गए थे। वो इंडिया से बाहर कब गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्क के लिए, ही वेंट आउट ऑफ इंडिया इन 1893 के अंदर वो इंडिया से बाहर गए, कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, एंड वापस आए वो 1915 के अंदर। तब भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन गया था भारत, और उससे अब भी था, बट अब डिफरेंस ये था कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पूरी हमारी पॉलिटिक्स को कॉन्कर कर लिया था, जकड़ लिया था उन्होंने हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो अब बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो गई थी एज कम्पेयर टू द 1893। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो AUHUM एक पॉलिटिकल स्ट्रगल के हम मूवमेंट की तरह कांग्रेस पार्टी हमारी स्टैब्लिश हुई थी, चैप्टर 4 पार्टी एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया वाले मैं पढ़ा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के बने पढ़ लेना, जाके नहीं पढ़ा तो पॉलिटिकल के बच्चे हो तो जो आपको पूरा बताया है उसमें कि किस तरीके से हमारी कांग्रेस पार्टी बनी थी। तो जो कांग्रेस पार्टी थी अब उसकी ब्रांचेस फैल गई थी, यानी कि इंडिया के जितने भी स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट थी, प्रोविंसेस थी, हर एक में अब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, यानी कि अब इंडियन की आवाज़ उठाने के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन हम सबके पास थी, ठीक है। तो अब पहले गांधी जी गए थे तो ऐसा नहीं था, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस भी थी, ब्रिटिशर्स ने भी ज़्यादा अपना जकड़ के रख लिया था पूरे इंडिया के सिस्टम को, तो सिचुएशन वॉज डिफरेंट। अब 1905 और 07 तक चला हमारा स्वदेशी मूवमेंट। देखो पहले जो कांग्रेस था ना उसमें सिर्फ अपर क्लास लोग होते थे, डेलीगेट्स जिन्हें आप कहो, जिनको इंग्लिश बोलनी आती थी, एंड दे वर अलाइट्स कहते हैं उन्हें, लॉयर हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए, सिर्फ वही हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट थे। तो जो गरीब लोग थे, मिडिल क्लास थे, पुअर थे, पीजेंस थे, वो खुद को एसोसिएट, उन्हें कांग्रेस अपनी लगती ही नहीं थी। बट जब स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ 1905 टू 07, उस समय पे लोगों को जो मिडिल क्लास थे, फार्मर्स हो गए, वो मिले, जुड़े इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो बेस था वो वाइडन हो जाता है, बेस वाइडन, हमने उस चैप्टर में पढ़ा पॉलिटिकल अगर आपके पास हो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेस वाइडन उस समय पे हो जाता है। काफ़ी टाइप के लीडर्स हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के इमर्ज हुए, लेट्स स्टडी जो लीडर्स दैट जो हमारे
इमर्ज हुए थे लेट स्टडी, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल एंड लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब. इनको बहुत फेमसली बोला जाता है लाल बाल एंड पाल. तो ये दे वर द मेन लीडर्स फ्रॉम द कांग्रेस. सेकेंडली कुछ मॉडरेट्स थे. ना हुआ मॉडरेट्स, मॉडरेट्स होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है हम इंडिया की सोसाइटी में चेंजेस लाएंगे बट नॉट थ्रू रेडिकल मेजर्स, यानी कि मार धाड़ आंदोलन करके नहीं, हम जो ब्रिटिशर्स हैं उनसे पॉलिटिकली पावर मांगेंगे. यानी कि मॉडरेट्स क्या कहते थे, हम उनसे कहेंगे हमें सीटें दो पार्लियामेंट के अंदर, हमें गवर्नमेंट के अंदर रोल दो. वो कहते थे ब्रिटिशर्स से हम ऑटोनॉमी लेंगे बट धीरे धीरे लेंगे, नॉट थ्रू रेडिकल मेजर्स. दे वर द मॉडरेट्स. ठीक है, तो मॉडरेट्स लीडर्स कौन थे, जो गांधी जी के पॉलिटिकल मेंटोर थे, यानी कि जो गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे. क्या नाम है उनका, गोपाल कृष्ण गोखले. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क. गोपाल कृष्ण गोखले जो पॉलिटिकल मेंटोर थे गांधी जी के, ही वॉज ऑल्सो अ मॉडरेट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन मार्क, यू हैव टू लर्न. सेकेंडली मोहम्मद अली जिन्ना, कौन नहीं जानते इनको, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी बना के पाकिस्तान बनवाया था हमारा, मोहम्मद अली जिन्ना जी. तो उनके वो भी एक मॉडरेट थे, वो भी गांधी जी की तरह लॉयर थे बट ही वेंट टू लंडन. एंड वैसे इनका ओरिजिन कहाँ का था, ही यूज्ड टू लिव इन गुजरात. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया अबाउट मॉडरेट्स. एंड जो दूसरे हमारे लीडर्स थे, दे वर मेनली रेडिकल लीडर्स. ये हमारे बाल लाल बाल पाल, दे वर रेडिकल लीडर्स. तो दे वर द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. अब हमें पढ़ना है कि अब एंट्री हो गई है यहाँ पे हमारी गांधी जी की. कहाँ पे एंट्री हो गई, इंडिया के अंदर. तो जो उनके पॉलिटिकल मेंटोर थे ना, कौन थे उनके पॉलिटिकल मेंटोर, उनके पॉलिटिकल मेंबर गोखले, उन्होंने बोला कि एक साल तुम पूरे इंडिया को चक्कर काटो. वो ट्रेन में पूरे इंडिया को घूमते हैं, बोला काछवे भी हर तरीके से वो इंडिया को घूमते हैं. एंड वो समझते हैं कि अभी पीजन का क्या हाल है, फार्मर का क्या हाल है और इंडिया का क्या हाल है. पूरा गांधी जी संभलते हैं, देखते हैं पूरे इंडिया को. और उसके बाद वो एक मीटिंग में जाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं ऑफ अ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. वो उनकी पहली पब्लिक मीट, जैसे मीटअप होता है ना, जैसे यूट्यूबर्स आजकल मीटअप करते हैं अपना, हाँ लोग फैंस उनसे मिलने जाते हैं, तो उसी तरीके से एक फर्स्ट पब्लिक मीटअप होता है हमारे गांधी जी का उस समय पे. कहाँ पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, फरवरी 1916. मेरा हाथ इतनी ऊपर नहीं पहुँचेगा, दिख गया होगा तुम्हें. ठीक है, तो लेट्स स्टडी दैट वहाँ पे उन्होंने क्या करा. ओके, तो लेट्स स्टडी दैट जब गांधी जी हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे वो क्या करते हैं, ही गेव अ स्पीच. वहाँ पे वो एक स्पीच देते हैं एंड उसमें बहुत सारे लोग आए होते हैं, कांग्रेस के नॉन लीडर्स होते हैं उस समय पे. इक्का बुक में नाम दे रखा है एनी बेसेंट. एनी बेसेंट आपको नहीं पता है तो शी वॉज अ वुमेन नेशनलिस्ट लीडर एंड उन्होंने वो कांग्रेस की मेंबर थी. तो जो एनी बेसेंट थी, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में दैट शी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग और नॉट. ठीक है, तो व्हाट डिड गांधी जी स्पोक, क्या बोले वो वहाँ पे जाके. तो उन्होंने देखो मेनली क्या बोला, जो इंडिया के अमीर लोग थे उन्होंने उनको टारगेट करा. उन्होंने ये बोला, देखो जब तक तुम, ये जो हमारा किसान भाई है, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, तुम जब तक इनके इज्जत नहीं करोगे तब तक ब्रिटिशर्स तो भूल जाओगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे. सेकेंडली इन्होंने क्या बोला गांधी जी ने, गांधी जी ने उनको समझाया दैट ये जो तुम ज्वेलरी पहन रहे हो एंड वट एवर यू आर डूइंग, ये जो तुम्हारी एलाइट्स वाली जो वट एवर यू आर हैविंग, दिस इज बिकॉज ऑफ द फार्मर्स. अगर हमारे पास फार्मर्स ही नहीं होंगे तो इंडिया नहीं चल सकता, हमारी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती. तो बेसिकली इन्होंने रिस्पेक्ट करने को बोला इलाइट्स को, फार्मर्स की और जितने भी लोअर क्लास लोग थे उनकी. तो उन्होंने एक बिल्कुल ही तरीके से इलाइट्स को टारगेट करके समझाया व्हाट दे शुड डू एंड व्हाट दे शुडंट डू. तो फ्रेजेस लिखे हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स में फ्रेजेस लिखने को आएंगे, दैट यू विल गेट इन माय इंस्टाग्राम नोट्स. आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पे सारे के सारे नोट्स डालती हूँ ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इको, ज्योग्राफी, क्लास 12 की ह्यूमैनिटीज़ के. तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप नोट्स ले सकते हो. आईडी का भी गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी का भी, नोट्स का लिंक भी गिवन है. अगर पिन देखोगे कमेंट, जो एक कमेंट सेक्शन में एक पिंड कमेंट होता है, तो हिस्ट्री की जो तीनों बुक है सभी के चैप्टर्स के लिंक आपको मिल जाओगे. टच करोगे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पहुंचोगे, वहां से तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे. तो ठीक है, तो नोट्स में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा. तो गांधी जी ने इस तरीके की बातें करी. ही चार्ज फॉर नॉट केयरिंग फॉर पुअर. उन्होंने कहा कि तुम पुअर की केयर नहीं करते हो. ही सेड सर्टेनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो. गॉर्जियस शो उन्होंने क्यों बोला, बिकॉज दे वर ऑल द एलाइट्स प्रेजेंट इन दैट शो, इसलिए उन्होंने उस शो को क्या बोला, गॉर्जियस शो बोला. और उन्होंने क्या कहा, आर सैल्वेशन इज ओनली गोइंग टू कम फ्रॉम फार्मर्स, नॉट फ्रॉम डॉक्टर्स, नॉट फ्रॉम इंजीनियर्स, नॉट फ्रॉम लॉयर्स. सैल्वेशन मतलब क्या, हमारा उद्धार, हमारा फ्रीडम, हमारा कुछ भी, अगर हमें लाइफ में, सोसाइटी में हमें चैन चाहिए, सुख चाहिए, सैल्वेशन हमें मिलेगा फ्रॉम फार्मर्स,
नॉट फ्रॉम द लॉयर्स डॉक्टर्स. तो दैट मीन्स वी शुड एलाइड शुड रिस्पेक्ट द फार्मर्स. ठीक है, तो ये जिस तरीके से बड़े बड़े जमींदार होते थे उस समय पे पीजेंट से बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यूज लेते थे, तो उन सब चीज़ों के लिए उन्होंने कहा कि आपको साथ देना पड़ेगा फार्मर्स का. और जब ये दोनों अपर सेक्शन लोअर सेक्शन मिडिल सेक्शन जब ये तीनों इकट्ठे आएंगे तभी तो हम ब्रिटिशर्स को भगाएंगे. बिकॉज ब्रिटिशर्स क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल. ठीक है, और इस जो डेट थी जब महात्मा गांधी ने अपनी स्पीच दी, इट वॉज अ सेलिब्रेशन. क्यों? बिकॉज फर्स्ट टाइम एक नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी, यानी कि इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी खुली थी, दैट वाज नेशनलिस्ट इंडियन यूनिवर्सिटी थी. मतलब पहले तो बहुत खुली हैं, आफ्टर द ब्रिटिशर्स कमिंग बता रही हूँ. पहले तो हमारी बहुत सारी नॉन यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी ऑन ऑल दैट. तो नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी खुली एंड इट वॉज फंडेड बाय इंडियन मनी एंड इंडियन इनिशिएटिव. इंडियन मनी मतलब कि जो खर्चा हो रहा था उसमें फंड कौन, फंड मतलब पैसा किस में लगा था, इंडियन लोगों का ही पैसा लगा था, ब्रिटिशर्स का इसमें पैसा नहीं लगा था. सेकेंडली इनिशिएटिव, यानी कि किसने इनिशिएटिव लिया इस यूनिवर्सिटी को खोलने का, तो वो भी इंडियंस ने ही लिया था. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सेलिब्रेशन किसके थ्रू हुआ था, दैट वॉज बाय द इंडियन. जो उन्होंने स्पीच दी थी महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में BHU के अंदर, वो उनका एक तरीके से आप कह सकते हो ऑडिशन होता है, या आप कह लो कि फर्स्ट परफॉर्मेंस होती है, वो उनकी वो थी. तब से उनका जो नेशनलिज्म जो उन्होंने दिखा दिया पूरे देश को, सॉरी पूरे के पूरे अपने कंट्री को दिखाई दिया एक तरीके से कि मैं नेशनलिज्म को प्रमोट करता हूँ, दैट यू ऑल हैव टू कम टुगेदर, तभी तुम ब्रिटिशर्स को भगा सकते हो. ठीक है, तो उस दिन से जो उनके पर्सपेक्ट्स थे, यानी कि जो उनकी सोच थी, दैट कम अप इनटू अ प्रैक्टिस. यानी कि सोचते तो बहुत कुछ हैं लोग, बट वो प्रैक्टिस में कब आता है, जब आप उस पर वर्क करते हो. तो इस दिन से शुरुआत हुई थी गांधी जी के फ्रीडम स्ट्रगल की. उसके बाद उन्होंने जो जो करा वो हम चैप्टर में पढ़ेंगे. कब, फरवरी 1916 में BHU की जो इनॉग्रेशन था वहाँ पर जो उन्होंने स्पीच दी थी उस पर उनका जितने भी परसेप्ट थे, जो भी उनकी सोचे थी, वो अब प्रैक्टिस में इस दिन से शुरू हो गई थी. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लखनऊ में दिसंबर 1916, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क के लिए अभी लिख रही हूँ. लखनऊ में दिसंबर 1916 में क्या होता है, एनुअल कांग्रेस, जो कांग्रेस होती है ना उसके एनुअल सेशन चलते हैंगे, तो मेनली दिसंबर में ही होते हैं ये सेशन कांग्रेस के. तो एनुअल सेशन हुआ था दिसंबर 1916 में, गांधी जी वहाँ पे गए थे. तो वहाँ पे एक पीजेंट का पीजेंट आता है फ्रॉम चंपारण बिहार. हमें चंपारण मूवमेंट के बारे में पता है, बिहार में जो गांधी जी ने करा था. तो चंपारण बिहार से एक पीजेंट फार्मर आता है और वो उन्हें बताता है अपनी परेशानी कि हमें हमारी पसंद की क्रॉप नहीं उगाने दे रहे हैं. उन्हें इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो एक क्रॉप होती है डाई टाइप की, वो ज़बरदस्ती उनसे वो उगवा रही थी, उससे फर्टिलिटी खत्म हो जाती है बिल्कुल ज़मीन की, एंड इट इज़ अ कैश क्रॉप. तो उससे ब्रिटिशर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा था, बट चंपारण के जो बिहार के पीजेंट्स थे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, और उनसे हाई रेवेन्यूज टैक्सेस बहुत ज़्यादा काम करवाया जा रहा था. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थे पीजेंट उस समय, किसान भाई बहुत प्रॉब्लम में थे. तो वो आते हैं गांधी जी के पास उनसे मदद मांगने. तो नाउ वी विल स्टडी दैट किस तरीके से गांधी जी ने उनकी मदद करी, क्या गांधी जी ने करा, दैट वी विल स्टडी. लेट्स कम टू द टॉपिक टू, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. गांधी जी का फर्स्ट मूवमेंट आप कह सकते हो एक तो था रॉलेट सत्याग्रह, उससे निकला हमारा नॉन कॉपरेशन. तो व्हाट वाज अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे गांधी जी का पूरा सफर चला था, लेट्स स्टडी इन द टॉपिक टू. लेट्स स्टडी द टॉपिक टू. तो देखो 1917 में जो गांधी जी है ही वेंट टू चंपारण, एंड वहाँ वो फार्मर्स की मदद करते हैं, उनको सिक्योर करते हैं. उनको टेन्योर देना पड़ता था बहुत ज़्यादा, और उनसे ज़बरदस्ती कल्टीवेट कराई जाती थी जो क्रॉप्स, तो उनके लिए वो आंदोलन लड़ना शुरू कर देते हैं. तो इसके आपको डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट गांधी जी काफ़ी समय तक चंपारण में रहे और उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पर किया. उसके बाद 1918 में गुजरात में वो दो कैंपेन्स लॉन्च करते हैं. पहली कैंपेन होती है फॉर द टेक्सटाइल वर्कर्स ऑफ, आप कह सकते हो, अहमदाबाद. जो लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद पे, आप कह सकते हो टाइटल उसका था लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद. देखो क्या होता था, ट्रेड यूनियंस बनती आज के समय पे भी, तो उस समय पे भी जो लेबर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वेजेस कम मिलती थी, और भी एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे हैड जो टेक्सटाइल मिल में काम करते थे अहमदाबाद की. तो उस समय पे गांधी जी जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके एक यूनियन फॉर्म कराते हैं, एंड दे उन्होंने जो रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं उनके मिल के अंदर, वो गांधी जी की वजह से सक्सेसफुल हो पाते हैं. उसके बाद सेकेंड, तो पहला मूवमेंट कौन सा करा, पहली कैंपेन उन्होंने कौन सी करी 1918 में, कौन सी थी, लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद, वन मार्क क्वेश्चन याद रखना. उसके बाद दूसरी क्या थी, पीजेंट्स इन खेदा, खेदा गुजरात के अंदर, पीजेंट्स खेदा गुजरात के अंदर फेमाइन आती है, उसकी वजह से देखो क्या होता है. ये टॉपिक भी अगर आप पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग उसमें ऐड हुआ है. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो खेड़ा
मूवमेंट था उसके फील्ड वर्क में थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पिटिशंस वगैरह फाइल करते वल्लभ भाई पटेल ने। तो वह सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड गांधी जी वर टुगेदर इन दिस मूवमेंट एंड उन्होंने कोशिश करी और फार्मर्स को इंसाफ दिलाया। क्या करा था अंग्रेज़ों ने, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ा दिया था, ऊपर से उस समय पे फेमाइन आ जाता है, डिजीज़ आ जाती है, तो उसकी वजह से क्रॉप फेल हो जाता है। और क्रॉप फेल हुआ तो भैया वो टैक्स कैसे भरेंगे जब क्रॉप फेल हो गया तो। और उस समय पे वहाँ पे प्लेग नाम की डिजीज़ भी आई होती है, जैसे अभी कोरोना वायरस आया तो उस समय पे वहाँ पे प्लेग डिजीज़ आई होती है खेड़ा गुजरात में। तो एक डिजीज़ हो गई, दूसरा हो गया उनके ऊपर फेमाइन आ गई, तो उस समय पे फार्मर्स बहुत परेशान थे, वो टैक्स नहीं दे सकते थे। तो पिटिशंस फाइल हुए, बहुत कुछ हुआ, और उसके बाद गांधी जी ने और वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर जो फार्मर्स हैं उनको बचा लेते हैं। और ये क्या करते थे, देखो ब्रिटिशर्स जो होते थे ये अगर कोई फेल हो जाता था ना टैक्स देने से तो उसके प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लेते, यानी कि उसका घर सीज कर लेते थे, उसका खेत सीज कर लेते थे। तो वो सब ठीक किसने कराया, महात्मा गांधी ने। तो दो मूवमेंट कौन से लॉन्च हुए उनके, लेबर डिस्प्यूट इन अहमदाबाद एंड सेकेंड इन द पीजेंस इन खेदा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 2 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन आपका। नाउ लेट्स स्टडी आगे गांधी जी ने, 1917 हमने पढ़ लिया, 18 पढ़ लिया, अब आ जाते हैं 1919 में क्या करा। अब गांधी जी के घुटनों में आकर पड़ गया था कॉलोनियल रूल, यानी कि अब गांधी जी ने थोड़ा थोड़ा निपटारे कर दिए थे, अब वो उन्होंने चैलेंज करा टू द कॉलोनियल रूल। लेट्स स्टडी क्या उन्होंने करा उस समय पे। देखो ग्रेट वॉर चल रहा था हमारा 1914 से 1918, कमेंट सेक्शन में बताना कौन से ग्रेट वॉर की बात हो रही है। 1914 टू 1918 बहुत आसान है ये। तो क्या होता है जब ग्रेट वॉर चल रहा है तो उस समय पे जो जो ब्रिटिशर्स हैं वो सेंसरशिप लगाते थे प्रेस के ऊपर। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी अखबार में ब्रिटिशर्स के खिलाफ नहीं छाप सकता है, मैगजीन में नहीं छाप सकता है, गैजेट्स में नहीं छाप सकता है, कोई भी सरकार के ब्रिटिशर्स के ऊपर कुछ गलत लिखना तो दूर की बात, कुछ लिख ही नहीं सकता है, सेंसरशिप लग जाती है प्रेस के ऊपर विदाउट एनी ट्रायल। विदाउट एनी ट्रायल मतलब कि अगर बाई चांस किसी अखबार ने कुछ लिख दिया और अगर उन्हें वो गलत लग गया तो वो उन्हें पेश नहीं करेंगे कोर्ट में, कुछ नहीं करेंगे, सीधा जेल में बंद कर देंगे और वाली प्रेस बंद। तो इस तरीके का रूल उन्होंने लगा दिया था हमारे ब्रिटिशर्स ने, कब, जब ग्रेट वॉर चल रहा था 1914 से 1918 का। ये किसने लगाया था, ये कमीशन बनी थी अंडर द सर सिडनी रॉलेट, इनके सर वगैरह होते थे ना वही सर सिडनी रॉलेट ने कमीशन बनाई थी और उसी ने ये हमारा सेंसरशिप वाला लॉ लगाया था। तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। ये जो सेंसरशिप वाला एक्ट था ना इसका नाम क्या हुआ, रॉलेट एक्ट। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे व्हाट इज रॉलेट एक्ट, तो रॉलेट एक्ट क्या है, जब सेंसरशिप लगा दी थी प्रेस के ऊपर विदाउट एनी ट्रायल, दैट इज द रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो कैंपेन चलती है अगेंस्ट रॉयल एक्ट। भैया क्या है, हमारी मर्जी, हम अखबार में कुछ भी लिखे और अगर हमने गलती से लिख भी दिया तो तुम हमें जेल में डाल दोगे, व्हाट द हेल इज दिस। तो इसलिए गांधी जी खड़े होते हैं अगेंस्ट द रॉयल एक्ट कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वी शुड एटलीस्ट हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो गांधी जी लॉन्च कर देते हैं कैंपेन अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब हमारा थर्ड मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी एक तरीके से आप कह सकते हो लॉन्च होता है, क्या नाम है उसका, मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। इसमें क्या होता है, पूरा इंडिया बंद टाइप हो जाता है, फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट इंडिया में लोग दुकानें बंद कर देते हैं और क्या फैक्ट्रियां बंद कर देते हैं, यानी कि जाना बंद कर देते हैं काम पे, स्कूल बंद कर देते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। जैसे आपने देखा एक दिन ही बंद होता है तो पूरे अगर किसी शहर बंद है तो कितना नुकसान होता है। तो ब्रिटिशर्स को बहुत प्रॉब्लम होती है, लोग ब्रिटिशर्स के कपड़े पहनना बंद कर देते हैं, लोग इंडियन कपड़े खादी का धारण करने शुरू कर देते हैं और जलाया जाता है ब्रिटिश का जो फैक्ट्री प्रोडक्ट आ रहा होता है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था आपको, उसको जलाते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम बिल्कुल ही बॉयकॉट कर देंगे इन ब्रिटिशर्स को। जो बड़े बड़े लॉयर्स थे, टीचर्स थे, वो जो गवर्नमेंट जॉब होती है ना ब्रिटिशर्स के अंडे वाली, वो सब छोड़ देते हैं, सब अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, सब कुछ ब्रिटिशर्स से बॉयकॉट कर देते हैं। प्रॉब्लम तो होती है लोगों को, बट गांधी जी की एक आवाज़ पे सब लोग ये करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इसका वो देखा होता है पंजाब के अंदर, इसका सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो जो सेंटर था वो पंजाब में था। क्यों, क्योंकि उस समय पे थोड़ी दिनों पहले ही पंजाब में, कुछ समय पहले पंजाब के काफ़ी सारी जो लोग थे, मेन थे, वो उन्होंने हेल्प करी थी ब्रिटिशर्स की इन द आपका ये जो वर्ल्ड वॉर वन था, यही जो ग्रेट वॉर है, वर्ल्ड वॉर वन में जाते हैं लड़ने के लिए। तो ऑब्वियस है यार, हम तुम्हारे लिए, हमारा क्या है, हम क्यों वर्ल्ड वॉर वन लड़ते हैं, हम ब्रिटिशर्स के लिए, पंजाब के काफ़ी लोग वर्ल्ड वॉर वन लड़ने जाते हैं, तो हमें रिवॉर्ड देने के बजाय इन ये हमें रिटर्न में क्या देते हैं, ये हमारे ऊपर सेंसरशिप लगा देते हैं। तो उस समय पे जो सेंटर होता है ये रॉलेट एक्ट का, अगेंस्ट रॉलेट एक्ट का, पंजाब बन जाता है। और ये लोग क्या करते हैं, जब लोग रॉलेट एक्ट में क्या हुआ, जब ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सेंसरशिप लगाई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये उठा के जेल में डालना शुरू कर देते लोगों को। गांधी जी भी डिटेन हो जाते हैं, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को ये उठा के जेल में
डाल देते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन बन जाती है जब लोगों ने सत्याग्रह करा, यानी कि लोगों ने बॉयकॉट करा ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को, ब्रिटिशर्स को, तो इन्होंने लोगों को जेल में उठा के डालना शुरू कर दिया या फिर उन्हें गोली से उड़ाना शुरू कर दिया। नाउ लेट्स कम टू द ब्लडी क्लाइमैक्स ऑफ अमृतसर। ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया कि पंजाब इसका सेंटर था, तो पंजाब में आपको पता है रॉयल अटैक लगा हुआ है, लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मार्शल लॉ भी लग जाता है पंजाब के अंदर। नाउ व्हाट इज मार्शल लॉ, यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत आसान है, हमने पढ़ा हुआ है बहुत बारी। तो मार्शल लॉ लग जाता है और उस समय पे जलियांवाला बाग के अंदर अप्रैल 1919 में एक सभा होती है एंड उस सभा में काफ़ी सारे लोग आए होते हैं और उस दिन बैसाखी का मेला भी लगा होता है। तो एज यू नो दैट सभा बनाना मना है, रॉयल अटैक लगा हुआ है, मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो जनरल डायर आता है और आके आपको पता है कि फायर कर देता है सारी एग्जिट्स को सील करके, और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे उनको वो मार देता है। और उसकी आप कह सकते हो क्या कहा जाता है कि क्यों मारा, तो कहते हैं कि मार्शल लॉ लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हो नहीं सकते और ये सब इकट्ठे हुए इसलिए इनको हम मार रहे हैं। 400 पीपल मर जाते हैं उसमें, काफ़ी सारी इंजरीज होती हैं। सो दिस इज़ नोन एज अ जलियांवाला बाग मजाकर। इससे जो ब्रिटिशर्स हैं उनकी असली औकात हमें दिख जाती है कि हाउ डाउन दे कैन गो, कितना नीचे ये गिर सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने इतने सारे इंडियंस को बेरहमी से मारा था। कौन थे? जनरल डायर, उन्होंने ये सब करवाया था। बाद में उनको हटा भी दिया गया था, बट फिर भी जो नुकसान था वो कभी भी हमारा नहीं कम हो सकता। वी ऑलवेज रिमेंबर व्हाट हैपेंड इन जलियांवाला बाग। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ से हमारा रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ। तो जो अब जब भी आप रॉलेट सत्याग्रह टॉपिक मेंशन करोगे तो उसमें हम जलियांवाला बाग मजाकर मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो रॉलेट सत्याग्रह के बाद से ही जो महात्मा गांधी है वो एज अ ट्रू लीडर इमर्ज होते हैं एंड सक्सेसफुल होता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। पहले रॉलेट सत्याग्रह हुआ, फिर ये जलियांवाला बाग वाला मजाकर हुआ, उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या? हम उनके कपड़े नहीं पहनेंगे, हम उनसे बॉयकॉट कर देंगे, हम उनके इंस्टीट्यूशन में वर्क नहीं करेंगे, हम उनके कहने पे क्रॉप्स नहीं उगाएंगे। तो मतलब हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जब हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो गांधी जी ने कहा कि एक साल के अंदर अंदर इंडिया को स्वराज, स्वराज मतलब फ्रीडम मिल जाएगा। गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, आगे इसकी डेट पढ़ेंगे, लॉन्च कर देते हैं हमारे गांधी जी और कहते हैं कि अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल हो गया तो एक साल के अंदर ब्रिटिशर्स को हम भगा देंगे और हमें स्वराज मिल जाएगा। अब गांधी जी खिलाफत मूवमेंट को अपने साथ ऐड कर लेते हैं इसमें। नाउ व्हाट इज खिलाफत मूवमेंट, हमने पहले भी पढ़ा है। खिलाफत मूवमेंट लॉन्च करते हैं दो भाई, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, आई थिंक हाँ वही दोनों लॉन्च करते हैं खिलाफत मूवमेंट को। किसके खिलाफ ये लॉन्च करते हैं? देखो, जो ओटोमन टर्की के अंदर कोई होता है कैलिफिट, जो इस्लाम के जो आप एक तरीके से कह सकते हो, जो उनके मेन आप कह सकते हो मसीहा है कैलिफिट, उनको डिसमिस कर देता है। जो टर्की का नया सुल्तान होता है, कौन? टर्की का जो नया रूलर होता है कमल अटातुर्क। कमल अटातुर्क क्या करता है? जो मुस्लिम्स का आप कह सकते हो एक मेन कैलिफेट है, उनको वो डिसमिस कर देता है। तो वो सारे के सारे इस्लाम धर्म के लोग उस समय पे इकट्ठे आते हैं। इंडिया के अंदर भी खलीफात मूवमेंट स्टार्ट होता है, खलीफात की डोमिनेंस को, खलीफात की जो इमेज है उसको रिस्टोर करने के लिए, एंड ये जो टर्की का जो ये सुल्तान था, जो टर्की का रूलर था, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए दैट हाउ कैन यू डू दिस, आप कैसे कैलिफेट को डिसमिस कर सकते हो। तो इसके लिए एक अब ये मूवमेंट किसका हो गया? खिलाफत मूवमेंट, ये मेनली मुस्लिम्स का था। एंड जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें मेनली हिंदूज इन्वॉल्व थे। तो गांधी जी को बहुत अच्छा आइडिया आता है और वो खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन कर लेता है विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उससे क्या होता है, उससे हिंदूज एंड मुस्लिम इकट्ठे आ जाते हैं और ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल, हिंदू को अलग करो मुस्लिम को अलग करो। और जब हिंदूज एंड मुस्लिम इकट्ठे हुए तो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में काफ़ी सक्सेस मिली, दैट वी विल स्टडी इन द आगे का टॉपिक्स। सो अब हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो यू सॉ दैट किस तरीके से गांधी जी स्ट्रैटेजी अपनी चलाते थे, ही जॉइंट हैंड विद द खिलाफत मूवमेंट एंड उन्होंने धीरे धीरे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत आगे गया एंड किस तरीके से हमें फ्रीडम मिला, दैट वी विल स्टडी। टॉपिक 2.1, निटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया नॉन कोऑपरेशन में क्या क्या हुआ था, दैट वी विल स्टडी। एनसीईआरटी में डेट ही नहीं दे रखी है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो गाइस हमारा स्टार्ट हुआ था 5 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, वो हमारा 1920 में 5 सितंबर को, एंड वो कुछ टाइम बाद बंद हो गया था। इट वॉज कॉल्ड ऑफ। Why it was called off? That we will also study in this topic. ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं अपना अब, नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट।
तो क्या होता है, जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो गांधी जी हैं वो खिलाफत मूवमेंट के साथ हैंड्स ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो हैंड्स ज्वाइन क्यों करते हैं, उससे जो दो कम्युनिटीज़ हैं वो ज्वाइन हो जाती है, एज आई टोल्ड यू हिंदू मुसलमान इकट्ठे हो गए। सेकेंड चीज़ क्या हुई, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया छोटे शब्दों में, अब ये टॉपिक बताया है, स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब प्रोटेस्ट कैसे करा, कैसे बॉयकट करोगे ब्रिटिशर्स को, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, वर्किंग क्लास ने स्ट्राइक कर दी, यानी कि फैक्ट्री में जाना बंद कर दिया, खेतों में जाना बंद कर दिया, सब कुछ काम करने बंद कर दिए। तो टोटल में 396 स्ट्राइक्स हुई और 1921 के अंदर 600,000 जो वर्कर्स थे वो घर बैठ गए, वो काम पर नहीं गए, एंड टोटल 7 मिलियन वर्क डेज का लॉस हुआ। दीज फिगर्स यू हैव टू लर्न फॉर द 1 मार्कर्स और द 2 मार्कर्स, दैट जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्ट्राइक थी उसमें क्या क्या हुआ था। तो 396 टोटल स्ट्राइक या बंद हुए थे, और 1921 तक जो 600,000 वर्कर्स थे देवर एट होम, वो घर पर रहे, एंड 7 मिलियन वर्क डेज का लॉस हुआ था, यानी कि 7 मिलियन दिनों तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। और हिल ट्राइब्स जो थी, यानी कि जो ट्राइब्स थी, जो आप कहते हैं उनको, ट्राइब्स को क्या कहते हैं हम लोग, जो जंगल में लोग रहते हैं, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा प्रोटेस्ट करा। दे स्टार्टेड वायोलेटिंग द फॉरेस्ट लॉज। फॉरेस्ट लॉज मतलब कि ब्रिटिशर्स ने लॉज लगा दिए, जैसे बंगाल वालों को उन्होंने बिल्कुल ही डिसोरिएट कर दिया था ना, ऊपर चले गए थे हमारे बंगाल की हिल में जो रहते थे, वैसे ही जो हिल के लोग थे उनके ऊपर फॉरेस्ट लॉ लगा दिए थे कि वो फॉरेस्ट से फॉरेस्ट प्रोडक्ट नहीं ले सकते। पहले तो वो अपना घर का खाना पीना सब कुछ फॉरेस्ट से करते थे, तो इन्होंने क्या फॉरेस्ट लॉ लगा दिया कि बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के कोई फॉरेस्ट एरिया में एंटर ही नहीं कर सकता है। इस टाइप के जो फॉरेस्ट लॉज थे उनको हिल ट्राइब्स ने अब वायलेट करना शुरू कर दिया। नॉन कॉपरेशन का मेन थीम क्या थे कि ब्रिटिशर्स जो कह रहे हैं उससे उल्टा करो बट पीसफुली, तो वो सब करना शुरू हो गया। और पीजेंट्स ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं जो पीजेंट्स थे उन्होंने मना कर दिया भार ढोने के, भार होता है मतलब लोड ढोने को मना कर दिया, किसका, अंग्रेजों का। अगर कोई कह रहा है मेरा सूटकेस उठा दो, मेरा कुछ सामान उठा दो पैसे देके भी, कुली वाला जो काम होता है, और कुछ भी काम भार उठाना मतलब एनीथिंग चाहे पैसे देके ही हो रहा हो, उन्होंने पीजेंट्स ने, कुमाऊं पीजेंट्स ने अंग्रेजों का काम करना छोड़ दिया। अब लुईस फिशर जो थे ब्रिटिशर, उन्होंने लिखा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, उन्होंने लिखा इसमें एक ही चीज़ नेगेटिव थी उनके लिए, वो क्या थी, दैट इट वॉज पीसफुल, और एक चीज़ पॉजिटिव थी वो क्या थी, दैट इट वॉज इफेक्टिव, यानी कि इट वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल एंड पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव। यानी कि ऐसा कैसा कोई मूवमेंट है, तुम रेजिस्ट कर रहे हो, तुम डिनाइल कर रहे हो बट विद द डिसिप्लिन। अब देखो तुम मम्मी को कहते हो मुझे खाना नहीं खाना, मुझे ये चाहिए, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे नहीं करना, तो तुम फिर भी बदतमीजी पे उतर आते हो, ठीक है। अगर तुम किसी चीज़ को, किसी के लिए चीज़ के लिए मना कर रहे हो, ऑब्वियस है कभी कभी फोर्स भी यूज होते हैं, बट ये जो प्रोटेस्ट था नॉन कॉपरेशन अभी तक बिल्कुल ही पीसफुल था। ये देख के ब्रिटिशर्स हैरान थे, उनकी बिल्कुल ही बोलती बंद हो गई थी, दैट पीसफुल प्रोसेस हो रहा है, हम कुछ कह नहीं सकते। सेकेंडली क्या था, इट वॉज बींग इफेक्टिव, सब लोग गांधी जी के साथ जुड़ रहे थे, हम इसमें देखेंगे, ही बिकेम अ सुपर स्टार बन गए थे, वो एक सुपर हीरो बन गए थे, एंड ही वॉज वर्थ इट। ओके, तो डिनाइल कर रहे थे लोग, रेनन्सिएशन भी एक मना कर रहे थे, बॉयकॉट कर रहे थे, एंड विद द डिसिप्लिन। तो इससे अब इंडियंस ये क्या कह रहे थे ब्रिटिशर्स आके, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब ब्रिटिशर्स डिनाइल भी कर रहे थे, रेनन्सिएट भी कर रहे थे, और डिसिप्लिन में रह के, तहजीब में रह के, तो वो हमें खुद को सेल्फ रूल करने का तरीका सिखा रहा था, यानी कि ओ निकलो यहाँ से ब्रिटिशर्स, हम अपने आप को खुद रूल कर सकते हैं, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें तुमसे तहजीब नहीं सीखनी। तो ये चीज़ इंडियंस को खुद लगने लगी कि हम इतना बड़ा मूवमेंट चला रहे हैं, पीसफुली चला रहे हैं, तो वी डोंट नीड देम, वी कैन डू द सेल्फ रूल। तो ये लेसन मिल गया इंडियंस को भी, ब्रिटिशर्स को भी, कि इंडियंस खुद को रूल कर सकते हैं। तो ब्रिटिश राज वॉज शेकन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द 1857 रिवोल्ट। अभी लास्ट चैप्टर में हमने जो चैप्टर आपका कौन सा था, 1857 की रिवोल्ट वाला, 11 वाला चैप्टर हमने पढ़ा ना, कि पहली बार ब्रिटिशर्स कब हिल गए थे बेचारे, जब बेचारे क्यों कह रही हूँ, कब हिले थे ये, जब हमारा कौन 1857 की रिवोल्ट हुई थी। और उसके बाद सेकेंड टाइम कब हिले, टेक्निकली तो ये सेकेंड टाइम ही है, कब हिले, जब हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत जोरों शोरों से चल रहा था। तो देखो इस समय पे लगने लगा था कि कुछ सालों के अंदर ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये भाग जाएंगे, बट एक बहुत बुरा इंसिडेंट होता है। देखो गांधी जी अपने प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलते थे, व्हाट वर हिज प्रिंसिपल्स, उसके प्रिंसिपल्स थे उनके कि अहिंसा आपको वो नहीं करना है, क्या नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है, पीसफुली सत्याग्रह करना है, किसी को मारना नहीं है, पीटना नहीं है, किसी की जान नहीं जानी चाहिए। और एक इंसिडेंट होता है कहाँ पे, चौरा चौरी, कई लोग इसे चौरी
चौरी चौरा में इंसिडेंट होता है। कहाँ पे? चौरी चौरा। कई लोग उल्टा बोल देते हैं, जैसे मैंने बोला चौरी चौरा में इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा गोरखपुर का एक गांव टाइप आप कह सकते हो, गोरखपुर के पास में जो चौरी चौरा का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पे एक मॉब, पीजेंट्स की मॉब, मॉब मतलब क्या होता है, लोग हो गए, भीड़ हो गए, पीजेंट्स की भीड़ मिलके आग लगा देती है और वहाँ पे 23 पुलिसमैन मर जाते हैं। आग लग जाती है, आग लगा देते हैं वो, रात को जाके वहाँ पे 23 पुलिस वाले मर जाते हैं। किसके? और वो कहते हैं कि ये हमने गांधी जी के अंडर में करा है। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है और गुस्से में आके फार्मर जो है, पीजेंट जो है चौरा चौरी के, चौरी चौरा के, वो आग लगा देते हैं हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर, अंदर 23 पुलिस वाले मर जाते हैं। तो उस समय पे गांधी जी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल है वो टूट गया। वो पीसफुल प्रोटेस्ट करते थे, वो किसी की जान नहीं देना चाहते थे, वायलेंस ही नहीं करना चाहते थे, जाने जाना तो बहुत दूर की बात है। तो उस समय पे जो गांधी जी है, कब करा इन्होंने अटैक? इन्होंने ये अटैक करा फरवरी में 1922 में। चौरी चौरा कहाँ है? गोरखपुर में। उस समय पे गोरखपुर कहाँ है? और अभी भी गोरखपुर जैसे यूपी में आता है, उस समय पे गोरखपुर कहाँ आता था? यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर। और उस समय का जो यूनाइटेड प्रिंस था वो यूपी और उत्तराखंड दोनों को मिलाकर बनता था, और भी जो रीजन्स थे उनको मिलाकर, ठीक है। तो यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर के चौरी चौरा के अंदर पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं हमारे पीजेंट्स का मॉब। क्यों लगा देता है वो सब हमको नहीं पढ़ना है। तो चौरा चौरी इंसिडेंट वेरी फेमस, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो गांधी जी है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं। देखो ये पीक पॉइंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, लोग बिल्कुल ही शुरू हो गए थे। लॉयर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, आसान बात है जॉब छोड़ना, टीचर्स ने स्कूल जाना बंद कर दिया, वर्कर्स, गरीब गरीब इंसान ने भी अपना काम धंधा छोड़ दिया, बट वो लोग एडजस्ट कर रहे थे विद द नॉन कोऑपरेशन। वो बिल्कुल ही पीक मूवमेंट था हमारा, और उसी समय पे ये चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है एंड गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते। तो आप सोचो कि हाँ, गाड़ी बिल्कुल हाई स्पीड पे और तभी जाके टायर फट गया और ख़त्म, इस टाइप से ऐसा हो गया। और उस समय भी लोगों को बहुत बुरा लगता है, सारे जो लीडर्स होते हैं वो गांधी जी को मना करते हैं कि आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद मत करो, बट ही सिंगल हैंडेडली, ये आपकी बुक में नहीं बता रखा है बट गूगल पे आप सर्च करोगे आपको दिखेगा, विकिपीडिया पे भी दिखेगा और भी साइट्स पे, कि सिंगल हैंडेडली 10 मार्च 1922 को हमारे गांधी जी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको बंद कर देते हैं। बिकॉज ये दिख जाता है उससे कि वो इंडियंस को फ्रीडम तो दिलाना चाहते हैं बट विथ पीसफुल, यानी कि अपने प्रिंसिपल्स के तहत ही वो फ्रीडम दिलाएंगे। और उन्होंने कह दिया नो प्रोवोकेशन, उन्होंने कहा मैं इस बात की कोई जस्टिफिकेशन ले ही नहीं सकता कि फार्मर्स ने क्यों जाके आग लगाई पुलिस स्टेशन के अंदर। वो बहुत परेशान हुए थे एंड इनफैक्ट उस समय पे उन्होंने सारा ब्लेम ही खुद पर ले लिया था, ही वॉन्टेड टू बी प्रेजेंट, वो खुद ही जेल जाना चाहते थे। एंड जब ये सब हो रहा था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो मेनी पीपल वर अरेस्टेड, बहुत लोगों को जेल हुई थी, इनफैक्ट गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था इन मार्च 1922। और जब वो अरेस्ट हुए और जिस दिन उनका सेंटेंस मिला, यानी कि पेश हुए, वो ट्रायल वायल हुआ, फिर जिस दिन उनको सजा मिलनी थी, तब उनका जस्टिस कौन था, यानी कि कौन जज उनका केस हैंडल कर रहा था, वन मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, जस्टिस CM ब्रूम फील्ड, ये इनका केस मैनेज कर रहे थे, देख रहे थे, ये जज थे। तो ये भी ना गांधी जी की ही वॉज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो सके कि तुम्हारी 6 साल की सज़ा अगर 1 साल की हो जाए ना, तो मैं ही सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा, आई वुड बी वेरी प्लीज। तो इनकी पूरी स्पीच बुक में लिखी है, वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। तो इनडायरेक्टली ये गांधी जी को कहते हैं आप बहुत ही ऑनर्ड मैन हो, चाहे आप ब्रिटिशर्स के दुश्मन ही क्यों ना हो, बट फिर भी मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और अगर आपका सेंटेंस खत्म होगा ना, अगर आपकी सज़ा कम होगी, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश होऊंगा। क्या सोचो, जज है, ब्रिटिशर है, तब भी वो गांधी जी की ही साइड था। तो इवन दुश्मन भी उनसे प्यार करते थे, ये चीज़ हमें पता चलती है। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, आई होप तुम्हें समझ में आएगा। एंड गाइज, वन थिंग आई वॉन्ट टू आस्क यू दैट, देखो ये जो मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैंने अपना फोन चेंज करा है, आई हैव रिटन इन द कैपिटल लेटर्स। तो यू कैन कमेंट डाउन एंड टेल मी दैट तुम किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कैपिटल लेटर्स में या कर्सिव लेटर्स में, मैं उसी में लिख दिया करूंगी। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.2, अ पीपल्स लीडर। अब इसमें हमें बताएंगे गांधी जी के हीरोइज्म के लिए बारे में, यानी कि गांधी जी इतने फेमस हो गए थे, लोग उनसे इतना प्यार करते थे, अब क्यों करते थे? हम हीरो का प्यार करते हैं, हीरो क्यों कह रही हूँ, हम एक्टर्स, वी लव देम, हमारे कितने सारे एक्टर हैं, हमें वो पसंद होते हैं, हम उनके पीछे पीछे जाते हैं उनके ऑटोग्राफ के लिए। बट उस समय पे गांधी जी के पीछे पीछे लोग जाते थे
किसी और चीज़ से उनके अट्रैक्ट हो गए। हम एक्टर के ब्रांडेड क्लोथ से, शूज से अट्रैक्ट होते थे, बट यहाँ के जो लोग थे ना, वो गांधी जी की सिंप्लिसिटी से अट्रैक्ट होते थे कि वो खुद को गांधी जी से एसोसिएट कर पाते थे। गांधी जी धोती कुर्ता पहन के उनके सामने जाते थे, सूट बूट के अंदर नहीं जाते थे जैसे बाकी कांग्रेस के लीडर्स रहते थे। नहीं, गांधी जी से वो खुद को मैचअप करते थे, वो गांधी जी को अपने बिल्कुल जैसा समझते थे, सेम टू सेम समझते थे खुद से। पीजेंट हो गया, फार्मर हो गया, गरीब से गरीब आदमी भी गांधी जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसीलिए ही वॉज वेरी फेमस एंड उनको क्या कहते थे, महात्मा। तो जल्दी से डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। आई होप तुम्हें ये चैप्टर आसान लग रहा होगा बहुत ज़्यादा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक पीपल्स लीडर। तो देखो 1922 से जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, जो गांधी जी आते साथ क्या चाह रहे थे कि इंडियंस के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाए, तो वो डेवलप हो गई थी 1922। और उन्होंने जो बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉमिस करा था ना लोगों को, कि गरीब लोगों को, मिडिल क्लास को, कि मैं तुम्हें इक्वालिटी दिलाऊंगा, वो प्रॉमिस उनका पूरा हो गया था। कैसे पूरा हो गया था? देखो, अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया उसमें पीजेंट ने पार्टिसिपेट करा, वर्कर ने करा, मिडिल क्लास ने करा, और कांग्रेस के अंदर भी काफ़ी सारे लोग आने लग गए थे फ्रॉम ऑल द क्लासेस, फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड्स। तो जो उनका प्रॉमिस था वो फुलफिल हो जाता है, और लोग उनको क्या कहते थे, महात्मा। अब महात्मा क्यों कहते थे? महात्मा इसलिए कहते थे, जितने भी नॉर्मल मैन थे, वुमेन थे, वो खुद को एसोसिएट कर पाते थे गांधी जी से। क्यों? बिकॉज ही यूज टू ड्रेस लाइक देम, वो उनके जैसे ही कपड़े पहनते थे, वो सूट बूट, गला बंद, कॉलर वाले कपड़े, और अंग्रेजों की तरह टाई वगैरह नहीं पहनते थे, वो नॉर्मल तरीके से रहते थे, धोती कुर्ते के अंदर खुद से सिली हुई, और वो दिखाते थे कि वो बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीते हैं, ठीक है। और ये मैंने तुम्हें बता ही दिया, वो चरखे को प्रमोट करते थे, एनकरेज करते थे चरखे को, वो दिखाते थे दैट कोई भी मैनुअल लेबर छोटा नहीं होता ही। उन्होंने डिफरेंस ख़त्म कर दिया बिटवीन द मैनुअल लेबर एंड अ मेंटल लेबर, आप कह सकते हो। आजकल क्या होता है, लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो खुद को ज़्यादा बनने लगते हैं, जैसे कि आपके घर में कोई काम करने आ रही है, मेड आ रही है, या कोई और हो गया, जो मजदूर मिस्त्री हो गए, उनको लोग गलत समझते हैं कि ये काम छोटा है। तो गांधी जी ने दिखाया कि मैनुअल लेबर, कोई हाथ से काम कर रहा है या कोई दिमाग का काम कर रहा है या फिर मेंटल लेबर, वो इक्वल है। उसका डिफरेंस उन्होंने ख़त्म करा कि चाहे कोई भी काम करे, कोई काम छोटा नहीं होता और कोई काम बड़ा नहीं होता है। तो उन्होंने डिफरेंस ख़त्म करा बिटवीन द मेंटल लेबर एंड बिटवीन द मैनुअल लेबर। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद शाहिद अमीन ने बताया कि फरवरी 1921 के अंदर गांधी जी जहाँ भी जाते थे वहाँ पर उन्हें क्राउड रिसीव करता था, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी जब गांधी जी आते थे। मैंने तुम्हें वो मूवी देखने को कहा, अगर तुमने देख लियो तो देखना कि कितने सारे लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा 10,000 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते थे जस्ट टू हैव अ लुक ऑफ गांधी जी। और हिंदी एक न्यूज़पेपर है गोरखपुर में जो छपा था, उसमें बताया गांधी जी जब ट्रेन से गोरखपुर से निकले तब, और आगे जिस जिस स्टेशन पे वो रुके, कुमई एक स्टेशन पे जब वो रुके, तो इतने सारे लोग, 6,000 से 10,000 लोग जंगल जो स्टेशन जंगल के बीच में भी होता था ना, वहाँ भी उनसे मिलने आ जाते थे। कुछ लोग उनके लिए ग्रीटिंग्स लाते थे, यानी कि गिफ्ट्स लाते थे, वो कोई भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक बार क्या होता है, वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो लोग उन पे पैसे उड़ाने लगते हैं, मतलब कि उनको ऑफर करने लगते हैं, और कुछ भी अपनी तरफ से गिफ्ट्स जो भी उनके अपने मन से इच्छा हो लोगों की, वो गांधी जी को ऑफर करते थे। दो वो लेना पसंद नहीं करते थे, बट लोग उनको गिफ्ट देके अपना प्यार दिखाते थे। एवरीबडी लव देम, अमीर लोग ही नहीं, गरीब लोग नहीं, एवरीबडी, कोई भी हो, वो गांधी जी का प्यार ज़रूर करता था वो। और ही वॉज सेंट बाय द किंग, लोग ऐसे सोचते थे कि इनको किंग ने भेजा है, किंग ने, भगवान ने, किसी ने भी आप कह सकते हो भेजा है कॉलोनियल रूल को डिसअपियर, यानी कि कॉलोनियल रूल को गायब करने के लिए। एंड जो भी गांधी जी को क्रिटिसाइज़ करता था, यानी कि ऐसा तो नहीं है हर कोई मानेगा उनको, जो लोग क्रिटिसाइज़ करते थे कि नहीं गांधी जी गलत हैं, गांधी जी के तौर तरीके गलत हैं, लोग उनके साथ क्या करते थे कि उनका घर जला जाते थे, उनकी फसलें ख़राब कर देते थे, यानी कि जो गांधी जी के खिलाफ है उनके साथ तो डायर कॉन्सिक्वेंसेज बुक में वर्ड लिखा, यानी कि लोग उनका घर भर जला देते थे, उनकी फसल ख़राब कर देते थे, ऐसे लोग करते थे अगर कोई गांधी जी के खिलाफ होता था तो। ओके, और उनको कहा जाता था गांधी बाबा, महाराज, महात्मा, इस तरीके का नाम उनको दिए जाते थे। अब गांधी बाबा महाराज, आजकल का क्या होता है, जो बाबा वगैरह होते हैं, देखो तुमने बड़ी बड़ी जगहों में रह रहे होते हैं, लैविश लाइफस्टाइल होता है, बट नहीं, हमारे जो गांधी बाबा थे उनका लाइफस्टाइल लैविश नहीं था। ही यूज्ड टू लिव एस्केटिक लाइफ, एस्केटिव लाइफ मतलब कि बहुत साधारण जिंदगी वो जीते थे, धोती और चरखा ये उनके मेन सिंबल्स थे, ठीक है। तो ऐसी ही जिंदगी वो जीते थे अपनी। और जिस समय पे गांधी जी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वहाँ पे न्यू ब्रांचेस ऑफ कांग्रेस सेटअप हो गई थी, और इन द प्रजा मंडल्स, यानी कि कांग्रेस फैलती जा रही थी, कांग्रेस जो पार्टी थी इट वॉज
वेरी डोमिनेंट और वो पूरे के पूरे इंडिया में फैल रही थी। जहाँ जहाँ कांग्रेस जा रही थी, मतलब हाँ वाह, अंग्रेजों को ऊपर डोमिनेट करने के लिए इंडियंस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी, ठीक है। और प्रजामंडल्स यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स, आपको पता होगा ब्रिटिश इंडिया के अंदर एक होती थी प्रिंसली स्टेट, होती थी प्रोविंस। प्रोविंस में ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रूल करते थे, प्रिंसली स्टेट्स के अंदर ब्रिटिशर्स इनडायरेक्ट रूल करते थे, यानी कि राजा भी होता था। तो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर प्रजा मंडल बने, वन मार्क क्वेश्चन। और वहाँ पे प्रजा मंडल्स ने नेशनलिज्म की फीलिंग्स को प्रवोक करा और वहाँ पे भी नेशनलिज्म इंक्रीज हो गया। और ही प्रमोटेड द मदर टंग, यानी कि गांधी जी जब भी बात करते थे ना, वो अंग्रेजों की भाषा यानी कि इंग्लिश में बात नहीं करते थे, ही प्रमोटेड द मदर टंग, हिंदी में या जो भी लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें ही बात करते थे। एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमारी कांग्रेस बननी भी स्टार्ट हो गई। हमने पढ़ा भी था चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास है तो, कि हमारी लिंग्विस्टिक बेसिस पे कांग्रेस ने कहा था हम खुद को बनाएंगे, यानी कि बिहार की जो कांग्रेस है वो बिहार वाली लैंग्वेज में बोली, गुजरात की जो कांग्रेस है वो गुजरात की लैंग्वेज में बोलेगी। क्यों? क्योंकि जो लोकल पॉपुलेशन होती है उन्हें अपनी ही तो भाषा आती है, वो क्यों अंग्रेजी बोलेंगे? या फिर अगर हिंदी भी कम को आती है तो वो लिंग्विस्टिक भाषा को भी, यानी कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को भी, वो जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करते थे। और इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन और बड़े बड़े अमीर अमीर लोग भी गांधी जी के सपोर्ट में आए। ऐसा नहीं था कि गरीब लोग ही उनको सपोर्ट करते थे, एलाइट्स इंडस्ट्रियलिस्ट बिग बिजनेसमैन वो भी गांधी जी को सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल जी डी बिरला, आपने इनका नाम सुना ही होगा, ही सपोर्टेड गांधी जी एंड ही सपोर्टेड द गांधीयन नेशनलिज्म। गांधीयन नेशनलिज्म, गांधी जी ने ही नेशनलिज्म की फीलिंग को प्रमोट करा, ठीक है। अब 1917 से 1922 तक काफ़ी सारे हाईली टैलेंटेड इंडियंस और भी बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस थे, लीडर्स थे, जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाया। ऐसा नहीं था सिर्फ गांधी जी थे, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाया। तो उनके नाम क्या क्या थे, लेट्स लुक। महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, सरोजिनी नायडू, दे ज्वाइन द कांग्रेस, दे वर हाईली टैलेंटेड लीडर्स। आपको इनके नाम लर्न करने होंगे, 1-2 मार्क्स में आ सकते हैं, बुक में एक दो और लिखे हैं, यू कैन सी। तो इस तरीके से हमारा जो गांधी जी थे, ही बिकेम अ नेशनल लीडर। फेब्रवरी 1924 में गांधी जी प्रिजन से रिलीज हो जाते हैं, यानी कि जब उनको यहाँ पे सजा मिल गई थी ना, उस समय पे ये जेल जाते हैं। और उसके बाद फेब्रवरी 1924 में जब ये जेल से रिलीज होते हैं, तब क्या करते हैं, आते ही जेल से बाहर आते ही ये खादी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। खादी को प्रमोट क्यों करते हैं ये, नाउ ही वॉन्टेड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। जैसे अभी आपने हाल ही में देखा कि मोदी जी आए कोरोना वायरस के टाइम पे और उन्होंने पॉलिसी लॉन्च करी कि इंडिया को हमें लोकल चीज़ों को प्रमोट करना। तो वही गांधी जी चाहते थे उस टाइम पर। गांधी जी ने क्या कहा कि खादी को प्रमोट करो, हमें सेल्फ रिलायंट रहना है, हमें इन ब्रिटिशर्स के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद बनाएंगे खुद खाएंगे, ठीक है, खुद बनाएंगे खुद पहनेंगे, ये चीज़ गांधी जी ने कही। और उन्होंने कहा सोशल रिफॉर्म्स लाने को और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने को। गांधी जी ने ये कहा कि जब तक तुम इन सोशल इवल्स में से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक फ्रीडम लाने का भी कोई फायदा नहीं है। चाहे ब्रिटिशर्स चले जाए, पर तब तक सोशल इवल्स इंडिया के अंदर से नहीं निकलते, तब तक उस फ्रीडम का भी कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कैसे सोशल इवल्स हमारे यहाँ, मैंने लिखा है वर्दी ऑफ फ्रीडम क्या है जब हम सोशल इवल्स से बाहर आएंगे, जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गई और चाइल्ड मैरिज हो गई। दीज आर द टू सोशल इवल्स, वन मार्क क्वेश्चन के लिए यू कैन राइट व्हाट आर द टू सोशल इवल्स। तो गांधी जी ने कहा जब तक इससे बाहर नहीं आओगे ना, तब तक ब्रिटिशर्स चले भी गए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और गांधी जी क्या कहते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम हारमनी से, यानी कि बहुत आराम से पीसफुली इंडिया के अंदर रहे, दैट ही वॉन्टेड। एंड ही वॉन्टेड टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, यानी कि वो चाहते थे इंडिया खुद में सशक्त रहे, हमें किसी और देश पे किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े फॉर आर नीड्स। ही प्रमोटेड खादी एंड ही वॉज अगेंस्ट द मिल मेड प्रोडक्ट्स, इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, आज के समय पे कहो तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के वो सख्त खिलाफ थे। ओके, ही वॉन्टेड दैट जो मिल मेड इम्पोर्टेड ये जो फैक्ट्री क्लोथ्स है वो लोग ना पहने, लोग खादी को प्रमोट करें, दैट मीन्स लोग लोकल चीज़ों को प्रमोट करें एंड इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए। तो विद दिस दो टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हमारे इस चैप्टर गाइस। तो विद दिस आज का एक्सप्लेनेशन यही खत्म हो रहा है, आगे के टॉपिक्स 3, 4, 5 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। तो उस वीडियो का लिंक तुम्हें कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 2 लिंक मिल जाएगा तुम्हें, वहाँ से तुम आगे का चैप्टर पढ़ना। आई होप तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना एंड अपने क्लासमेट्स का शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को। सेकेंडली अगर कोई भी नोट्स चाहिए, ये वाले बोर्ड की फोटोज चाहिए, अभी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी, इस चैप्टर के नोट्स,
क्वेश्चन आंसर्स, एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन आंसर, और क्या हो गया इसके टेस्ट हो गए, एवरीथिंग, हर एक हिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, इको के, इंग्लिश के, साइकोलॉजी के, ज्योग्राफी के, ह्यूमैनिटीज के, हर सब्जेक्ट का सारा मटेरियल आपको, रिटन मटेरियल मिलेगा मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको स्क्रीन पे स्टार्टिंग में भी दिख गया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, वहां से जाके आप सारे की सारे रिटन मटेरियल अपना ले सकते हो। मैं टेस्ट भी लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो हाईलाइट सेक्शन में टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, मैंने टेस्ट दिए हुए हैं, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, आप जाके उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, एंड अगर नोट्स ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो जो कमेंट सेक्शन है उसका पिंड कमेंट चेक कर लेना, हिस्ट्री के तीनों बुक्स के सभी चैप्टर्स के लिंक गिवन है। गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, नोट्स चाहिए तो आप वहां से जाके ले सकते हो। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो, पॉलिटिकल, इको, इंग्लिश, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, सो यू कैन गो एंड स्टडी फ्रॉम माय चैनल। ओके, सो आई विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो।